भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुबारकपुर आजमगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सठियाव ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज में हो रही मतगणना काफी धीमी गति से होने से लोगों में काफी आक्रोश है। मतगणना का मंजर तो यह रहा कि कई घंटों मतगणना टेबल पर कोई कर्मचारी उपस्थित न होने के कारण मतगणना रुकी हुई थी। वहीं एसडीएम सदर राजीव रथ ने सठियाव इंटर कॉलेज में पहुंचकर आरओ एवं कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए रुकी हुई मतगणना को चालू कराया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र, एसआई कुमार सिंह चौकी इंचार्ज सठियाव कृष्ण प्रजापति लगातार कैंपस के आसपास के लोगों पर भ्रमण करते रहे एवं अखिलेश कुमार मिश्र ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जीत की खुशी में कोई भी प्रत्याशी जलसा जुलूस एवं पटाखे नहीं फोड़ेगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक तरफ प्रत्याशी जहां 24 घंटे बिना कुछ खाए नींद से बेदायद होकर अपनी मतगणना के इंतजार में लगे रहे, व्यवस्था काफी खराब होने से प्रत्याशी व कर्मचारियों में भी बीच बीच में काफी का नजारा भी देखने को मिला। दिलचस्प बात यह है कि काफी रात्रि करीब 10 बजे कर्मचारी 12 घंटे ड्यूटी के बाद अपना मानदेय के लिए आरओ के पास गए तो अनाउंसर ने कहा सुनी के साथ हाथापाई हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच लाठी बांसते हुए भीड़ को खदेड़ा। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह होते लगभग 7:30 बजे के करीब चकसिट्ठी से जिला पंचायत क्षेत्र के दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच कहा सुनी हुई, मारपीट होने लगी। पुलिस ने लाठी भाज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। न्यूज़लाइन भारत से अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। चाह रहा था कि माइनॉरिटी का कोई भी आदमी हमारा एजेंट न बने, जबकि हम चुनाव लड़ रहे हैं और माइनॉरिटी के साथ अधिक से अधिक वोटर हमारे साथ हैं, हम बराबर की टक्कर दे रहे हैं माइनॉरिटी में, तो हमारे एजेंट को पकड़ करके और कालर पकड़ के हिलाने लगा। लोगों ने मना किया तो हाथ चला दिया, हाथ दिया तो हम लोग दो के बीच बच किए हैं। सभी लोग बीच बचाव किए हैं, पुलिस आ गई, उसने बीच बचाव किया है, प्रशासन आ गया अपना, सभी लोग दौड़े बचाए हैं, कुछ विवाद थोड़ा करना था। मामला ये था कि मेरा भाई काउंटर पे खड़ा होकर काउंटिंग करा रहा था और एक वोट का मामला था और उसी को लेकर कुछ बातें बहस हो रही थी, जबरदस्ती वो बहस कर रहे थे और हमारे भाई ने विरोध किया तो लाठी गुस्से से मारे। भाई अजय सिंह भी आए, उन्होंने भी लाठी उठाया। प्रशासन नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता था। प्रशासन का रोल कैसा रहा? प्रशासन का रोल बहुत अच्छा रहा। इस महोदय ने हमारी पूरी मदद की, ऐसे महोदय को भी चोटें आई हैं जिससे मैं काफ़ी दुखित हूँ कि मेरे ऐसे महोदय को भी चोट आई। मेरा प्रशासन हमसे कल से भी हमारा साथ दे रहा है। मैं दिलसी हूँ, मैं चुनाव जीत भी रहा हूँ। बड़े एकदम अंतराल का मामला है, 100, 200, 300 की हार जीत होगी और इसलिए लोग प्रशासन से क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं? प्रशासन से इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए घर जाने के लिए भी, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं जब प्रशासन के सामने। ये डिमांड रखे हैं आपने? अभी साहब से हमने कुछ कहा नहीं, अभी साहब तो कहते अभी काउंटिंग कराओ बेटा और हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।